myself PK Sharma, assistant professor at DIT. आज हम आपको इस लेक्चर में कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, इनपुट आउटपुट रेसिस्टेंस, इनपुट डायनामिक रेसिस्टेंस, आउटपुट डायनामिक रेसिस्टेंस पर आधारित कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, बताएंगे आपको। तो आइए हम लोग ये कुछ इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इनको सॉल्व करने के लिए हम किस तरह से फार्मूले का यूज करेंगे। जैसे ये पहला क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, लिखा है एक ट्रांजिस्टर में अल्फा का मान 0.98 है। यदि ट्रांजिस्टर कॉमन इमिटर मोड में हो तो बेस करंट में 0.2 मिली एम्पियर का परिवर्तन होता है, तो कलेक्टर करंट में चेंज होता है। ध्यान दें आपको कलेक्टर करंट में चेंज निकालना है। तो सबसे पहले करते हैं क्या, सबसे पहले ये करते हैं कि क्या क्या चीजें दी हुई हैं, उनको नोट डाउन कर लीजिए। गिवन है, कह रहा अल्फा का मान, यानी कि अल्फा क्या होता है, तो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है। किस कॉन्फ़िगरेशन का, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ये कितना दिया हुआ है, 0.98। करंट ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर मोड में है, तो कॉमन एमिटर मोड में, यानी कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं ये। तथा बेस करंट में कितना चेंज आ रहा है, यानी कि जो डेल्टा आई बी है बेस करंट में चेंज ये दिया है 0.2 मिली एम्पियर। आप चाहें तो इसको मिली एम्पियर को आप एम्पियर में कन्वर्ट कर सकते हैं या ऐसे ही। उसके बाद आपका है आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि कलेक्टर करंट में चेंज निकालना, यानी कि डेल्टा आई सी कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना, यानी कि सी फॉर कलेक्टर करंट, आई फॉर करंट डेल्टा चेंज। तो अब हमको निकालना है, सबसे पहले आप ध्यान दें हमको डेल आई सी की वैल्यू निकालनी है। और हम जानते हैं कि बीटा और अल्फा में एक रिलेशन पढ़ाया था मैंने, अल्फा अपान वन माइनस अल्फा। आप यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट करिए, 0.98 अपान में वन माइनस 0.98। तो ये वैल्यू लग मिलेगी आपको सॉल्व करने पर 0.98। ये आपको, इसको आप थोड़ा ऐसे लिखिए ताकि आपको आसानी रहे समझने में, और ये आपको मिल जाएगा 0.0 और देख लीजिए सही है हम, तो आपको यहाँ से मिलेगा सॉल्व करने पर ये 40। यानी कि आपको बीटा की वैल्यू, जिसको बीटा क्या है, तो बीटा है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। किस कॉन्फ़िगरेशन का, तो ट्रांजिस्टर के कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का ये करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, यानी कि धारा प्रवर्धन गुणांक है। तो बीटा की वैल्यू आपको मिल गई 49। अब आप हमसे जानना चाह रहे होंगे कि हमें जब कलेक्टर करंट निकालना है, अल्फा दिया हुआ है, तो ये बीटा क्यों निकालना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा फार्मूला होता है बीटा का, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा के लिए होता है डेल आई सी अपान में डेल आई बी। तो हमें निकालना है डेल आई सी, तो डेल आई सी इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा इंटू डेल आई बी। और आप देख रहे हैं बीटा की वैल्यू आपके पास यहाँ है, डेल आई बी की वैल्यू आपके पास यहाँ है। आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं डेल आई सी इज इक्वल टू, बीटा की वैल्यू है 49 मल्टीप्लाई बाई डेल आई बी, दैट मीन्स 0.2। इसको सॉल्व कर लेंगे आपकी वैल्यू आ जाएगी लगभग 9.8 मिली एम्पीयर। ये आपका जहां तक मुझे लगता है कि आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। फिर से आइए हम आपको बता देते हैं, अल्फा की वैल्यू दी गई थी 0.98
बेस करंट में चेंज की वैल्यू गिवन है 0.2 मिली एम्पियर। आपको फाइंड क्या करना है, कलेक्टर करंट। आपके पास फॉर्मूला होता है बीटा और अल्फा के बीच में, होता है बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। बीटा की ये वैल्यू आप निकालने के लिए अल्फा की वैल्यू पुट किया आपने, यहां से पुट करने के बाद आपने सॉल्व किया, ये आपको वैल्यू मिली 49। बीटा मिल गया 49। अब हमको निकालना है पर्टिकुलरली यहां डेल्टा आईसी। तो आप जानते हैं कि बीटा करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर किस कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है, तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है। और आपने पढ़ा है वहां पे कि आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, तो आउटपुट करंट हो गई आपके डेल आईसी, इनपुट करंट हो गई डेल आईबी। हमको फाइंड करना डेल आईसी, डेल आईसी इक्वल टू बीटा इनटू डेल आईबी हो गया। बीटा की वैल्यू 49, डेल आईबी की वैल्यू 0.2 मिली एंपियर। दोनों को पुट करिए, सॉल्व करिए, आपको करंट मिलेगा 9.8 मिली एंपियर। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मैं लिख नहीं रहा हूं, इसको बोल रहा हूं, और जो चीजें डाटा में दी गई हैं, जो चीजें डाटा में दी गई हैं उनको मैं यहां मेंशन कर दूंगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि एक ट्रांजिस्टर में अल्फा का मान 0.98 है। कह रहा है कि इसमें गिवन दैट कह रहा है कि अल्फा का मान 0.98 है, यह कॉमन बेस मोड में संयोजित है। कौन सा मोड है, तो कॉमन बेस मोड है। स्थिर कलेक्टर वोल्टेज पर यदि इमीटर करंट में 2 मिली एम्पियर का परिवर्तन होता है, यानी कि कलेक्टर करंट में चेंज कितना दिए हुए हैं, 2 मिली एम्पियर का। तो कह रहा है कि कलेक्टर करंट में, तो अच्छा ये इमीटर करंट दिया हुआ था, सॉरी इमीटर करंट में चेंज 2 मिली एम्पियर का है, तो कह रहा है कलेक्टर करंट में चेंज फाइंड करिए। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि अल्फा, अल्फा का फार्मूला होता है, अल्फा का फॉर्मूला होता है डेल डेल आई सी अपान में डेल आई ई, कलेक्टर करंट में चेंज अपान इमीटर करंट में चेंज। आप इस फॉर्मूले का यूज करिए, डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। डेल आई सी इज इक्वल टू होता है अल्फा इंटू डेल्टा आई हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू 0.98 और डेल आई ई की वैल्यू 2, डेल आई ई की वैल्यू 2 मिली एम्पीयर, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 16.98 यानी कि 1.96 मिली। ये हो गया आपका सर सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। आइए ऐसे ही हम आपको थर्ड क्वेश्चन बताते हैं, ऐसे ही आपको हम थर्ड क्वेश्चन बताते हैं। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, जरा इसको समझिए। ये थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है क्वेश्चन हल्का सा आपके टिपिकल हो जाए, या पहले आप एक और इसी के जैसे सेम क्वेश्चन पहले सॉल्व करें, देन दूसरे फार्मूले पर हम लोग चलेंगे और उनपे बेस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, कह रहा है कि ट्रांजिस्टर की इमीटर करंट तथा कलेक्टर करंट क्रमशः 5 मिली एम्पियर और 4.6 मिली एम्पियर हो। क्या कह रहा है, कह रहा है कि ट्रांजिस्टर की इमीटर करंट यानी कि आई ई गिवन किया हुआ है, गिवन दैट कि इमीटर करंट की वैल्यू दी गई है, इमीटर करंट की वैल्यू दी गई है 5 मिली एम्पियर, ठीक है। कह रहा है कि और कलेक्टर करंट यानी कि आई सी की वैल्यू दी गई है 4.6 मिली एम्पियर, तो ये कह रहे हैं बेस करंट की वैल्यू बताएं। मींस दिस इज वेरी इजी प्रॉब्लम, दिस इज वेरी इजी प्रॉब्लम, बिकॉज़ इट इज अ ट्रांजिस्टर करंट इक्वेशन। और आप जानते हैं कि ट्रांजिस्टर में करंट इक्वेशन का फार्मूला होता है इमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। आपको फाइंड क्या करना है, बेस करंट, तो बेस करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई ई माइनस आप आई सी। आई ई की वैल्यू आपके पास है 5 मिली एम्पियर,
और इसकी वैल्यू है आपके पास 4.6 मिलियन एम्पियर, घटा देंगे आप आपको मिलेगा 0.4 मिली एम्पियर, और यही क्या हो जाएगी आपके बेस करंट का मान। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, समझ गया ना? ऐसे ही हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं और जो उसमें चीजें गिवन है उनको नोट डाउन करेंगे और देन हम उस पर विचार करेंगे कि किस फार्मूले को यूज किया जाए ताकि ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व आउट हो जाए। जैसा कि एक क्वेश्चन फिर से आ रहा, कह रहा कि एक कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर में कलेक्टर सर्किट में लगे 1 किलो ओम मान के प्रतिरोध पर 2 वोल्ट का विभव पात है तथा यदि बीटा बराबर 40 हो तो बेस करंट का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमको क्या क्या दिया है, पहले तो पहले दिया हुआ है गिवन दैट में क्या क्या दिया हुआ है, कह रहा बीटा की वैल्यू 40 है, बीटा की वैल्यू 40 है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं हम उस रेसिस्टेंस पर कितने रेसिस्टेंस पर जो कलेक्टर सर्किट में लगा हुआ है वो है 1 किलो ओम का, यानी कि R की वैल्यू दी गई है 1 किलो ओम या 1000 ओम या आप कह सकते हैं 1000 ओम। उस पर कितना वोल्टेज का ड्राफ्ट हो रहा है, तो वोल्टेज ड्राफ्ट होता है 2 वोल्ट का। तो क्या फाइंड करना है आपको, बेस करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ये कौन सा ट्रांजिस्टर का, तो कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन ट्रांजिस्टर का। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि जो आउटपुट करंट होगी यानी कि जो कलेक्टर करंट होगी वो आईसी, तो आई इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर होता है। वी कितना दिया 2 वोल्ट, आर की वैल्यू कितनी है 1 किलो ओम, इसको आप अभी बताए हैं, इसको आप कह सकते हैं 1000 ओम। तो ये ऊपर जाएगा तो 2 × 10⁻³ होगा, इसको क्योंकि ये करंट है तो हम इसको यहाँ पे एम्पियर लिखेंगे इसका यूनिट, या इसको हम 2 मिली एम्पियर भी कह सकते हैं। बीटा की वैल्यू पता है, आईबी की वैल्यू में निकालनी है, हमने पढ़ा फार्मूला बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आईसी अपान आईबी होता है। और आईसी की वैल्यू अभी निकाला आपने 2, बीटा की वैल्यू गिवन थी, तो आइए हम इसको फॉलो करें। यहाँ पे हमको निकालना है आई बी, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से और करके आई बी इज इक्वल टू आई सी अपान बीटा। आई सी की वैल्यू अभी फाइंड किया हमने 2, बीटा की वैल्यू हमको मिली है 40, यहाँ से कैंसिल हुआ या 1/20 या इसको कह सकते हैं 0.5 मिली एम्पीयर। ये हमारा हो गया। तो फ्रेंड हमें लग रहा होगा कि आपको ये मेरी बातें समझ में आई होंगी और मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बताए।